सो हे व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। और इस एपिसोड में हम करने वाले हैं बहुत सारे नेदरराइट की माइनिंग, क्योंकि मैं इतने बड़े एरिया का राजा हूँ पूरा, मेरे पास कैसल है, सब कुछ है और मेरे पास नेदरराइट ही नहीं है। तो इसीलिए आज हम नेदरराइट माइनिंग करने वाले हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि पिछले एपिसोड में ना मैंने ये पूरा एरिया बनाया था और अब मेरा मूड नहीं है यार कुछ भी बनाने का, पूरा जाके माइनिंग करो वगैरह। तो इसीलिए आज अब हम अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल बनाने वाले हैं, क्योंकि ये जो सांड आई के ये हमें मारते रहते हैं इनसे बचने के लिए। और मैं विदर से भी लड़ना चाहता हूँ, उससे पहले मैं यही सोच रहा हूँ कि हमें नेदरराइट तो चाहिए ही चाहिए। तो नेदरराइट की माइनिंग करने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें चीज़ नंबर वन जो कि होगी हमारे बहुत सारे फायर रेजिस्टेंस के पोशन, ताकि हमें आग ना लग जाए नीचे, क्योंकि इधर बहुत ही सारा लावा है। और चीज़ नंबर दो है हमारी बहुत सारा TNT, जिसमें कि हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। और चीज़ नंबर तीन है हमारे पास हमारा फ्लिंट एंड स्टील, जिससे कि हम TNT को फोड़ेंगे। और चीज़ नंबर चार हमें चाहिए होगी आप लोगों का बहुत सारा प्यार। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ तरीका है भीख मांगने का? पहले अपने चुन्नू मुन्नू को मिलके आते हैं। इधर हैं हमारे, ओए क्या हाल चाल भाई, बकरा भाई साहब और गधे भाई साहब हैं। एक के पास क्रॉसबो है, एक के पास ये है तलवार। आराम करो, कैसे एंजॉय कर रहे हो? देख लो भैया, तुम्हें सी फेसिंग और गार्डन फेसिंग एरिया दिया है मैंने, तुम यहाँ से गार्डन और सी भी देख सकते हो। और हमारा उधर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गन पाउडर फार्म भी है और लाइट हाउस भी है। ओए व्यू एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? चांटा भी मारूंगा अगर नहीं कहा तो। तो अभी हमारे पास दो फायर रेजिस्टेंस के पोशन हैं 8-8 मिनट के, इतने से तो कुछ नहीं होने वाला, तो हम 3-4 और बनाते हैं। फ्लिंट एंड स्टील अपने पास पड़ी है और TNT भी पड़ा है, लेकिन इतनी TNT से कुछ नहीं होने वाला, हमें और बनानी पड़ेगी। तो पहले हम यही करते हैं, पोशन बनाते हैं थोड़े से भाई। वैसे बड़ी शर्म की बात है, मैंने ये सब बना लिया और मेन चीज़ तो बना ही नहीं, हमें नेदरराइट आर्मर चाहिए अब। और नेदरराइट आर्मर के साथ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी विदर से लड़ने के लिए, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले हम अपना नेदरराइट आर्मर बनाते हैं। इसमें ही भरो बोतलें और इसे बनाओ ऑकवर्ड पोशन। अब इसमें डालनी है हमें ये मैग्मा क्रीम। तो इस मैग्मा क्रीम से बनेगा हमारा पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस। ये बन रहा है भाई, बड़ा स्लो प्रोसेस है भाई, जल्दी करो। बन गया, इसमें भी डालो ये बन गया हमारा पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ये। अब इसमें हमने डाल दिया रेडस्टोन डस्ट, जिससे कि हमें ये 8 मिनट के बन जाएंगे। और इसमें भी करते हैं अपन यही काम, ये भी बन जाएंगे 8 मिनट के। बाकी का सामान रखो इधर ही, ये बोतलें भी रख देते हैं, जल्दी करो भाई। ये बन गए अपने पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस, बहुत ही सारे। इसको रखो इधर एंडर चेस्ट में और TNT और बनाते हैं पहले, तो उसके बाद चलते हैं उधर को। पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस बन गया, फ्लिंट एंड स्टील अपने पास है। अब चलते हैं हम अपने फार्म की ओर, ताकि वहाँ से हम बहुत सारा गन पाउडर ले सकें। और हमें सैंड भी चाहिए होगी, तो सैंड भी ले के आते हैं, पहले फार्म पर ही चलते हैं अपने। अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे AFK थोड़े टाइम के लिए, तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़े टाइम AFK करने के बाद, क्योंकि तब वहाँ पे ना नीचे क्रीपर स्पॉन होंगे। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको 10 या 15 मिनट के बाद। तो अभी मैंने इसे चलता छोड़ दिया था 15-20 मिनट के लिए। अब जाके ज़रा देखते हैं कि क्या हुआ है काम। मैंने TNT लगा रखा है भाई, कैसा क्या कर रहा हूँ मैं ये। अब ठीक है काम, इसमें रख दो सब कुछ और ये तोड़ो, इसे भी तोड़ लेते हैं जल्दी से। अब चलते, अरे नीचे गिर गया, कहाँ गया ये? अरे वाह वाह वाह, बच गया। इसे लगा रहने देते हैं अभी के लिए। तो ये रहा हमारा एंडर चेस्ट, अब जाके चेक करते हैं कि हमें कितना सारा गन पाउडर मिला है। देख रहे हो, अभी अभी क्रीपर मर गया, एक और आ रहा है। वाह, ये तो बड़ी एफिशिएंटली काम कर रहा है। और ये देख रहे हो 15-20 मिनट में हमें इतना गन पाउडर मिल गया, तो ये काम कर रहा है अच्छे से। अब चलते हैं अपने घर को और जाके थोड़ी सी सैंड भी लेके आते हैं, उसके बाद TNT बनाते हैं बहुत सारा। तो जाके TNT बनाते थोड़ा सा, बहुत टाइम हो गया माइनिंग करते हुए, पूरी रात निकल गई माइनक्राफ्ट की। तो चलो भैया जी TNT बनाओ जी। अरे फिफ्टी एट बन गया और गन पाउडर ख़त्म हो गया भाई इतनी जल्दी। इतना सारा तो लेके आया था यार मैं, हद हो गई, इतना गन पाउडर लेती है TNT। कितना लगता है एक में TNT? एक में 5 गन पाउडर लगता है, तभी भाई तभी। कोई नहीं कोई नहीं,
इधर रखो थोड़ी सी अपनी सैंड बाकी की। तो चलो भाई अब चलते हैं अपने नेदर में। इधर पोर्टल से जाना है भाई, मैं किधर जा रहा हूँ? तो अब पहले चलते हैं नेदर में और वहां जाके थोड़े से एक्सप्लोजन करते हैं। एक्सप्लोजन तो गूगल बाबा जी के हिसाब से हमें 36 नेदराइट के स्क्रैप्स चाहिए होंगे जिससे कि हमारा वो बनेगा क्या कहते हैं आर्मर और टूल्स। तो पहले ना हमें देखना पड़ेगा कि ये स्पॉन कहाँ पे होते हैं। तो गूगल बाबा ने हमें फिर से बताया है कि ये जो नेदराइट वगैरह है ये 14 लेवल पे स्पॉन होते हैं और ये हरामखोर हर लेवल पे स्पॉन होते हैं। इनकी ऐसी की तैसी आ तो नहीं रहा, आ रहा है, बाय बाय। तो इसको करने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा उस लेवल पे। तेरे से इधर मैं बो नहीं यूज कर रहा क्योंकि उसकी हालत खराब हो रखी है, अगर मैंने यूज करी तो काम हो जाना। मर जा यार, कितनी हालत है तेरी। अब यहाँ से डिग करते हैं। अरे इनकी ऐसी की तैसी। अबे कितने पूरी फैमिली आ गई यार इनकी। तो भागो यार, भागो, मैं जा रहा हूँ भाई। ये गोल्डन हेलमेट पहनो पहले तो, ये ऐसी कैसी कर देते हैं हमारी। हाँ अब नहीं पहचानना हरामखोर। इतना गोल्ड उठा लूंगा मैं। चलो अब चलते हैं लेवल 14 पे। ओए दुखी मत करियो ठीक है, कोई माइनिंग पे कोई दिक्कत तो नहीं है। सीढ़ियाँ बनाते हुए चलो। अरे मैं डर गया, मैं क्या पता नहीं क्या है भाई। लावा तो नहीं है इधर आसपास? ले इधर तो लावा है भाई। मैं कहाँ जाऊँ यार, इधर तो लावा मिल गया। इधर जाऊँ थोड़ा सा, इधर भी लावा ना हो बस, लगे तो रहा है लावा ना हो बस। सर कोई लावा को दूर ले जाओ। ले लावा ही है, ऐसे तो मैं मरूंगा भाई। निकलो बाहर इस टनल से, इस साइड को माइनिंग करें थोड़ी सी, क्या पता इधर ना हो। ले भाई ऐसी की तैसी, हर जगह लावा ही लावा भरा पड़ा है। कितने लेवल पे हूँ? 14 पे आ गए हम, यहीं पे खड़े होना है हमें, है नहीं? तो अब हमें पता है क्या करना है, सीधा खोदना है बहुत दूर। तो अब हमें बस ऐसे खोदते जाना है और उसके बाद इसमें ले ऐसी की तैसी। इसी का डर था मेरे को। चलो कोई नहीं, इधर से अपने साइड को खोद लेते हैं। अपने को क्या है, अबे ये तो मेरे को ऐसे ही मिल गया माइनिंग करते हुए। वाह भाई वाह वाह वाह। इसे रखो, टीएनटी निकालो और निकाल लो, इसे तोड़ लो। अब प्लेस करते हैं एक एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे। क्या आ गया पीछे? अच्छा क्या सोच रहे होंगे ये लोग भी बेचारे, पूरा टनल उड़ जाएगा। टीएनटी देख रहे हो दूर तक, टीएनटी टीएनटी आ गया हम एंड पे। ये ले लो, अब पहले ना ये पोशन एक पी लो क्योंकि पता नहीं है कहाँ पे लावा मिल जाए हमें, क्या पता ये फटे और पूरा लावा का पूल आ जाए मेरे ऊपर। तो इसीलिए इसे आग लगाओ, भाग लो, भागो भागो। अरे ले इधर तो मैं फंसी गया, ले मैं मरा मरा मरा, फट रहा है। वाह वाह वाह, फटो 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 हराम खोरो। वाह 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 वाह, मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है, आगे जाके देखते हैं। अरे मेरे को रुको रुको, मेरे को देखना है, वीडियो में लेना मेरे को, रुको। हो गया, अरे ले वहाँ तो रुक गया यार थोड़ा सा। चलो कोई नहीं कोई नहीं, अब देखते हैं हमें कितना मिला है, उसके बाद फिर से माइनिंग चालू करते हैं। अरे ये भर गया क्या, क्या निकाला जाए यहाँ से? ये निकालो। अरे वाह भाई, दो तो यहाँ मिल गए, अरे एक और है यहाँ पे। वाह वाह वाह, ऐसे ही मिलते रहे ना, मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। ए इसको तोड़ लो जल्दी से, इसके साथ और भी होने चाहिए 3-4, कम से कम 10 नौ होने चाहिए इधर। ले इधर तो है नहीं, और कितने हो गए? 2 हो गए। अब चलते हैं इस साइड को, और भी है क्या? अरे वहाँ पर भी है, ले ये तो काम बन गया। पहले हम ऐसे करते हैं, इस लावा को बंद कर देते हैं, कहीं से वो ऊपर से गिरे और इसमें आके गिर जाए तो फिर काम खराब होगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। हो जा बंद, बंद हो जा, थैंक यू सर। इधर तो है नहीं, अरे वहाँ पे तो एक और है। ले भाई मैं पागल हूँ, अरे इसमें गिरूंगा भाई मैं, वैसे तो मेरे पास है वो पोशन, लेकिन कोई बात नहीं, एक मिल गया और इसके आसपास नहीं है, थैंक यू। उसके बाद अब चलते हैं आगे आगे आगे, इधर भी है थोड़ा सा। अरे हटना, वैसे तो मैं तैर ही सकता हूँ लावा में, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, पहले इस लावा को बंद करेंगे हम
तमीज से काम करो, तमीज से। क्या हो रहा है? ओए तू यहाँ पे कैसे आ गया? टनल तो बंद है भैया आगे से, हैं तू यहाँ पे कैसे आया? अरे ले, मैं करता रहता हूँ ऐसे गधे वालों काम, लेकिन चलो ठीक है, अब तू मरेगा बेटे, मैं बता रहा हूँ। फ्लिंट एंड स्टील कहाँ है मेरा? अरे यार कहाँ से आ रहा है इतना लावा? अरे हटना भाई, मेरे को आग लगानी इधर। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, भागो। आग लग गई। अबे मैंने कुछ करा हराम को? तू ही बैठा था ना उसके पास, है? अब मेरे को क्यों मार रहा है हराम का टका? मैंने तेरे को कहा वहां पे खड़े होने के लिए। यार यहाँ पे तो मिला ही नहीं एक भी, हद होगी। तमीजी ना यार, एंशिएंट डेब्री एक भी नहीं मिला। चलो यही माइनिंग कर लेते तब तक के लिए अपने को, क्या? अरे रुको, चलो इसी से माइनिंग कर लेते। इस लाइन में तो यार एक भी नहीं मिला मेरे को, उसके बाद में एक ही दो वो मिले हैं वहीं पे, उसके बाद तो मिला ही नहीं यार, हद होगी। कचरा ही मिल रहा है उसके बाद तो। अबे क्या हो रहा है? ओह मिल गई मिल गई मिल गई, चलो और लगाते हैं आग। चलो भैया फटो 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 और फटो। मैं कम से कम 16 तो लेके जाने वाला। अरे भाई साहब एक और मिल गया, नाइस। 14 लेवल तो, अरे एक और है। मेरे को तो ऐसे मिल जाएंगे सबके सब मेरे हिसाब से तो। चलो आगे चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, भागो भागो भागो। 15 तो हो गए ना, 15 तो हो गए। अब बस मेरे को एक और चाहिए, अपना आर्मर तो बन जाएगा। ऐसी गंदी आवाज निकालो हराम खोरो तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ भाई अब करें माइनिंग शुरू। एक यहाँ पे भी लगा देते, इसको लगाओ आग और भागो। तो अरे यार देखा वो नीचे गिर जाते हैं हराम खोर, यही तो दिक्कत है ना मेन। वहां पे ऊपर फटो ना, मरो ऊपर। हाँ तो बेडरॉक आ गया नीचे वाला। टूट गया, छोड़ो निकल लो। थैंक यू फटने के लिए। एंशिएंट डेब्रिस, एंशिएंट डेब्रिस दिख नहीं रही यार कोई। ये नीचे आके मर रहे हैं ना, ऊपर मरो ना ऊपर। एक भी नहीं मिल रही यार अब तो। अरे एक मिल गई, जैसे मैंने कहा नहीं मिली, मिल गई। ये रही ऊपर। अब माइन करते चलते हैं, अब और क्या फायदा बार बार आने का फिर। अरे वाह 16 तो हो गई, अपना आर्मर तो बन गया यार। आर्मर खुश हो जाओ बस, आर्मर मिल गया अपने को, नेदराइट वाला। अबे मैंने उसे चलाया तो आग लगी नहीं, बाद में लग गई, ऐसे कैसे? एक तो यह फट ही नहीं रही हराम को। यू हैव वन जॉब भाई, फटो ना बस। नेदराइट चाहिए मेरे को, नेदराइट चाहिए मेरे को, मेरे को भाई, मेरे को, मेरे को, मेरे को, मेरे को। इसको लगाओ ऐसे, हद हो गई भाई। माइनक्राफ्ट ये क्या ग्लिच कर रहे हो तुम लोग, हैं क्या रहे हो? एंशिएंट डेब्रिस तो मिली नहीं रही यार, और अब हद हो गई यार। अरे एक मिल गई इधर, इसको माइनिंग करते हैं इसकी। अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई अंडरमैन, है? कहाँ क्लॉस्ट्रोफोबिक सी, क्लॉस्ट्रो क्लॉस्ट्रो क्या कहते हैं इसे, क्लॉस्ट्रोफोबिक पता नहीं क्या कहते हैं इसे, उसमें घूम रहा है तू। अब एंशिएंट डेब्रिस देख लेते हैं, अगर एक आध कोई छूट गई हो मेरे से पीछे। बाय बाय केव, शायद फिर ना मिले हम। चलो भाई घर आ गए हम अपने, खुश हो जाओ। अब हमें इन्हें स्मेल्ट करना है, अपना गोल्ड भी स्मेल्ट करते हैं जो मैं लेके आऊँ यहाँ से, ये 44। और उसके बाद ना फिर अपना बनाते हैं आर्मर, बनाते हैं सबसे पहले तो। इसमें थोड़ा सा पड़ा भी हुआ है, इसी में डालते हैं गोल्ड सारा, और इसी में डालते हैं ये नेदरराइट की स्क्रैप। पर नोने है ना, करो जल्दी जल्दी।
चलो भाई 16 तो हो गया, अब जाके इसके बनाते हैं नेदराइट इनगोट्स। 4 बन गए, नाइस। अब हम बनाते हैं अपना, कैसे बनाते हैं ये, हमें चाहिए स्मिथिंग टेबल, आई थिंक यही है उसका नाम। हमें देखना पड़ेगा कैसे बनता है ये। एम किधर है एम, ये वो प्लैंक और आयरन चाहिए, और प्लैंक्स आयरन, आयरन दो है अपने पास, प्लैंक्स इधर पड़े हैं, बनाते हैं। ये बन गया अपना टेबल ये वाला, और उसके बाद हम इसे कहाँ रखें, यहाँ पे रख दूँ, इधर इधर लगा दो, नाइस। अब हमें अपना आर्मर चाहिए पहले सारा का सारा, इसे पहले इसे यहाँ पे रखो, एक इनगॉट रखो, ये बन गया हमारा ये। उसके बाद रखो ये, वह रखो अपने बूट, और बना लो अपने अच्छे बूट, और उसके बाद रख लो ये, और अपना बना लो ये। और भाई साहब हमें एक और नई अचीवमेंट मिल गई है, बड़ा सा अच्छा सा म्यूजिक चल रहा है, जैसे मैंने बहुत बड़ा तीर मारा हो, लेकिन हमने ये आर्मर बनाया, बस हो गए, अब हम अच्छे लग रहे हैं। अब चलो देखते हैं, मेरे को लगा था इसमें एक्सपी जाएगी बहुत सारी, लेकिन एक्सपी तो लगी ही नहीं। अरे वाह, काले कपड़े पहन रहे हैं हम, देख रहे हो। अब मेरे को बस एक काला चश्मा चाहिए, बस काला चश्मा। तो इस एपिसोड में हमने अपना जो नेदराइट आर्मर है उसे कंप्लीट कर लिया है, और अगले एपिसोड में मैं अपने टूल्स बनाऊंगा। मेरे ख्याल से मेरे को 24 वो स्क्रैप्स चाहिए नेदराइट के, अपने टूल्स को मतलब बनाने के लिए नेदराइट में, वो हम बाद में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।